लास्ट क्लास में हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, किसी को याद है? मैम 9 बजे टाइम देकर आप लोग इतना लेट क्यों कर देते हैं? वो सब सेटअप स्टार्ट होने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोई बताएगा? किसको याद नहीं है? आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वेरी गुड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी तक हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो पता, सबको पता, समझ में आ गया ना? अभी तक 2-3 क्लासेस हुए हैं आई थिंक नरेशन के। तो जो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग किस तरह से बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यहाँ तक सबको अभी तक समझ में आया है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और 3 तरह के सेंटेंस देखेंगे, ठीक है? पहला हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसी को पता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? नो मैम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और तीसरा हम लोग देखेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले वो बताते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, टू ऑर्डर, ना इसमें किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, टू रिक्वेस्ट, टू सजेस्ट, सजेस्ट या एडवाइस, है ना? किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं या किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? अब इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब अगर रहेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, तो हमने देखा है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग चेंज करते थे तो सेड या सेड टू जब होता था तो उसको किस में बदलते थे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड या सेड टू को हम लोग किस में बदलते थे सिंपल सेंटेंसेस में? अभी तक का क्लास में सबको समझ आ गया है ना? तो फिर बताओ सेड या सेड टू को हम लोग किस में चेंज करते थे? सेट को टोल्ड में। सेट टू को टोल्ड में चेंज करते थे, वेरी गुड। और सेज टू अगर रहता था तो सेज को टॉल्स में। टेल्स। यस मैम। हाँ, सेज टू को टेल्स में और सेट टू को टोल्ड में हम लोग चेंज करते थे। यहाँ पे अगर सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर सेड या सेड टू रहे और इम्पेरेटिव सेंटेंस रहे तो यहाँ पे एक रूल है, हम लोग किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। अगर सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो हम लोग उसको ऑर्डर्ड लिखेंगे सेड या सेड टू को बदल के। अगर सेंटेंस में लगे कि नहीं यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट अगर किया जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्टेड। और अगर किसी तरह का सजेशन दिया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है तो क्या लिखेंगे?
सजेस्टेड या एडवाइज्ड? सजेस्टेड या एडवाइज्ड, ठीक है। ये कब करेंगे? सेड या सेड टू को हटा करके हम लोग जब इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं सेंटेंस को, तो अगर सेंटेंस में पता चले कि नहीं यहाँ इस सेंटेंस में किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वहां पे हम ऑर्डर्ड लिखेंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहां रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अगर किसी तरह का सजेशन या एडवाइस दे रहे हैं हम सेंटेंस में, ये लगे कि नहीं इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि इसमें कोई सजेशन दिया जा रहा है, तो वहां पे हम उसको सजेस्टेड या एडवाइस लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेंगे। एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल उसका देते हैं, फिर आगे आएंगे एक्सक्लेमेटरी में। जैसे कि पहला क्या है, ऑर्डर का है ना, द टीचर सेड टू द बॉय, क्लोज द विंडो, ठीक है। ये सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉय क्लोज द विंडो। तो इस सेंटेंस में क्या क्या किया जा रहा है? टीचर बच्चे को, लड़के को क्या बोल रही है? विंडो बंद करने, विंडो क्लोज करने के लिए। तो ये क्या है, सजेशन दे रही है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या ऑर्डर? ऑर्डर है मैम, ऑर्डर 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 है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये क्या है सेंटेंस, इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है किसी को। तो इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या लिखेंगे, द टीचर, क्या यहाँ पे क्या बताया था, सेड टू जो है वो बदल जाएगा। सेंटेंस में ऑर्डर है तो यहाँ हम लिखेंगे ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर ऑर्डर्ड द बॉय टू क्लोज द विंडो विंडो। The teacher ordered the boy to close the window. So, ये है direct. और यहाँ पे हमने इसे change किया indirect में. समझ में आया कैसे बदले? ये order का sentence है, ठीक ना? अब दूसरा sentence हम करते हैं request का. He said to me please help me, है ना? यानी रिक्वेस्ट इसमें हो रहा है ना? यहाँ पे प्लीज है, प्लीज बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते किसी से? यस मैम। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ही रिक्वेस्टेड मी, मैम क्लीन नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। He requested me to please नहीं, यहाँ पे please हटा देंगे,
प्लीज हटा देंगे क्योंकि हमने सेंटेंस में ऑलरेडी क्या किया है, रिक्वेस्ट लिख दिया है। यस मैम, है ना, तो पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है सेंटेंस में। तो यहाँ हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, यहाँ पे क्या है मी, मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आता है सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ही के सब्जेक्ट के, है ना, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, तो मी को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिम, है ना, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ठीक है, ये हो गया रिक्वेस्ट का सेंटेंस। तो ध्यान देना है क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो है उसमें क्या किया जा रहा है, अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे सेड टू को बदल के ऑर्डर्ड करेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग पहले क्या करते थे, दैट लिखते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे दैट ना लिख के टू से शुरू करेंगे, ठीक है, टू क्लोज द विंडो, यहाँ पे है टू हेल्प हिम, प्लीज अगर है तो प्लीज नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सेंटेंस में हमने ऑलरेडी पहले ऐड कर दिया है ही रिक्वेस्टेड, मतलब वो उसने रिक्वेस्ट किया, है ना, और हम लोग इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं इसको, तो यहाँ पे प्लीज लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अब एक है सजेशन, फर्स्ट वाला सेंटेंस हो गया सबका, द टीचर वाला, नहीं नहीं नो मैम, आप लोग इसको दिख ही नहीं रहा मैम, हो गया फर्स्ट वाला, हो गया क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बताइए, हम बताते हैं क्या है, यहाँ पे अगर नहीं समझ आ रहा तो ये हम डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ इनडायरेक्ट, और ये यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट है द टीचर सेड टू द बॉय, और यहाँ ही रिक्वेस्टेड है, यहाँ अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ये सजेस्ट या एडवाइस लिखा हुआ है, ए डी वी आई एस ई, डायरेक्ट है, सब लोग उसको उतार लीजिए जल्दी से, हो गया, बस थोड़ा सा रुकिए मैम, मैम हो गया, हो गया मैम, क्लीन कर दीजिए, ओके, तो अब क्या करना है हम लोगों को, सजेशन में जाना है ना,
तो सजेशन में एक सेंटेंस लिखते हैं, द डॉक्टर एक सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड टू हिम टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो उनको, किसी को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द डॉक्टर सजेस्टेड और एडवाइस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। द डॉक्टर एडवाइज फिर क्या लिखेंगे आगे, क्या लिखें? द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू, लिखिए मैम टू टू आगे, फिर टू टेक केयर ऑफ Your health होगा, your ही लिखेंगे इनडायरेक्ट में भी, ध्यान से देखिए इसको। My, यहाँ पे ध्यान दीजिए, your जो है ये you से बनता है, your है ना, और ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन जो है वो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। ये वाला रूल आप लोग मत भूलिए, एस ओ एन और 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन अगर रहे तो नो चेंज। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। तो योर जो है वो सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो हिम को अगर हम लोग चेंज करें, योर को अगर हिम के जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है। The doctor advised him to take care of his health. समझ में आया? तीनों हम लोगों ने यूज कर लिया, ऑर्डर भी कर देख लिया, रिक्वेस्ट भी और सजेशन। इसको फिर से समझाइएगा। ठीक है, समझाते हैं। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले पता चला क्या होता है, क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं वो समझ में आया? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू ऑर्डर रिक्वेस्ट टू सजेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी तरह का कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, ठीक है, किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, या कोई सजेशन या एडवाइस दिया जा रहा हो, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डोंट शाउट इन द क्लास, या फिर हम लोग जब क्लास में हम लोगों को आना होता है तो हम लोग क्या पूछते हैं, मे आई कम इन। ये सब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, या सजेशन दे रहे हैं, दैट यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ये जो सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, है ना, प्लीज हेल्प मी। अगर बोले तो क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी मदद करो, किसी को सजेशन दे रहे हैं। तो जब हम इस तरह का सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है।
और समझ में आया इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस समझ गए, तो अब हम लोग को देखना है कि जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा नियम अलग है। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, कैसे बदलते थे, तो सेड टू को टोल्ड कर देते थे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट लिख देते थे, और फिर अंदर का टेंस चेंज हो जाता था, है ना। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस अगर रहे तो उसको बदलने का थोड़ा अलग नियम है। क्या नियम है? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि सेंटेंस जो है वो कैसा सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर है भी तो उसमें क्या दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या कोई सजेशन दिया जा रहा है ना। ये हम लोगों को समझना होगा सेंटेंस को देख करके, ठीक है। और समझना क्यों जरूरी है कि कैसा सेंटेंस है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे उसको, तो वहां पे सेड या सेड टू को हटा करके हम लोगों को लिखना होगा अगर ऑर्डर दिया जा रहा है किसी तरह का। मैम क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अब आवाज क्लियर है? क्लियर है नहीं, क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। कहाँ, कौन सा स्कूल में? आरके प्लस टू रमानिया। क्लियर है, क्लियर। अभी क्लियर है मैम? अभी आ रही है। ओके, हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम बदलते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या सजेशन दिया जा रहा है ना। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब हम सेड या सेड टू को बदलेंगे तो यहाँ पे टोल्ड नहीं लिखेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में टोल्ड लिखते थे, यहाँ टोल्ड नहीं लिखना है। क्या लिखना है हमको? अगर सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो सेड टू को बदल के ऑर्डर्ड कर देंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस में किसी तरह का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि हम लोग अभी पहले बनाए प्लीज हेल्प मी, है ना, प्लीज हेल्प मी, तो वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पे हमने क्या कर दिया, सेड टू को हटा करके रिक्वेस्टेड लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे जो सेंटेंस हम लोग अभी बनाए हैं, ये क्या है, द डॉक्टर सेड टू हिम टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या एडवाइस दे रहे हैं कि अपने सेहत का ध्यान रखो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, द डॉक्टर सेड टू को चेंज करके लिख दिया एडवाइस, ठीक है, एडवाइज हिम। इतना तक समझ में आया? Yes, ma'am. अब आगे हम लोग क्या करते हैं, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे तो वहां दैट लिखते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे दैट न लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, किस चीज के लिए एडवाइस किया, टू टेक केयर ऑफ। अब यहाँ पे योर के जगह पे हिज लिखे हैं, है ना। अब ये समझना है योर के जगह पे हिज क्यों लिखे। yes, ma'am, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्ट था, उसमें में नहीं है, इसलिए उसमें करें। तो पहले दिन जब हम बताए थे रूल्स, उसमें एक रूल बताए थे SON, है ना, ये वाला रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। ये रूल हम बताए थे पहले दिन कि जो फर्स्ट पर्सन अगर रहे इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहे तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बताए थे या नहीं? रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहे तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर सेकंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और अगर थर्ड पर्सन रहे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। एन का मतलब है नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं बताइए? फर्स्ट में सब्जेक्ट के साथ बदलेंगे। नहीं नहीं, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है? फर्स्ट पर्सन
आई और वी. वेरी गुड. सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू. ठीक है. थर्ड पर्सन में? या कोई नाम है ना. तो यहाँ पे योर जो है ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है. तो सेकेंड पर्सन जो है वो किसके अनुसार बदलेगा? ये हिम ऑब्जेक्ट के. ऑब्जेक्ट के अनुसार. तो हिम है इसलिए यहाँ पे हम लोग योर के जगह क्या लिख दिए? हिज हेल्थ. मतलब उसका हेल्थ. डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने उसे सलाह दिया अपनी सेहत का ध्यान रखने को. यस मैम. तो अब समझ में आया? यस मैम. ओके वेरी गुड. तो ये आप लोग लिख लिए? यस मैम. ओके. ये था इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब आगे हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कोई उदाहरण दे सकता है हमको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई एग्जांपल देगा इसका? अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क पता है सबको? फुल स्टॉप लगाते हैं हम लोग जैसे, वैसे ही किसी किसी सेंटेंस के लास्ट में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? यस मैम पता है. हाँ बताओ. बताइए मैम. बोले. हाँ हाँ बोलिए मैम. जहाँ पे कोई भी काम आश्चर्यजनक होता है वहाँ पे. हाँ आश्चर्यजनक होता है वहाँ पे. वेरी गुड. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या नाम है आपका? मैम डिंपल कुमारी. डिंपल. तो जैसा कि डिंपल ने बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पे कोई आश्चर्य होता है, ठीक ना, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. तो बिल्कुल सही है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य के अलावा और भी क्या हो सकता है? टू एक्सप्रेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जाहिर करते हैं. क्या? टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ जॉय, है ना. टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ जॉय. जब हम बहुत खुशी, है ना, बहुत ज्यादा खुशी जब एक्सप्रेस करते हैं. जॉय सोरो, है ना. सोरो का मतलब दुख में. और वंडर. वंडर जैसा कि डिंपल ने बताया आश्चर्य. वंडर या सरप्राइज. टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ जॉय सोरो या फिर वंडर या सरप्राइज. तो जब हम लोगों को ये सब दिखाना होता है तो वैसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जैसे कि एग्जाम में आप फर्स्ट आ गए तो आप क्या बोलते हो सबसे पहले? एग्जाम में आप फर्स्ट आ गए तो आपका क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या बोलते हो आप? वाओ. वाओ है ना. या फिर यस. अलास. अलास नहीं. अलास तो सौरों में यूज करते हैं. अलास सौरों में यूज करते हैं हम लोग. हुर्रे यूज करते हैं, है ना. ये हम लोग जीत गए. मान लो कंपटीशन चल रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है, कोई जीत गया. या फिर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया जीत गया, तो हम लोग क्या करते हैं? पूरा खुश हो जाते हैं. यस इंडिया जीत गया, ऐसा बोलते है ना. यस मैम. तो ये सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. ठीक है. तो ये हम लोग क्या यहाँ पे जाहिर किया? अपना खुशी, जॉय जाहिर किए. ठीक है. सोरो मतलब अगर एग्जाम में हम फेल हो गए. ओह आई फेल्ड इन द एग्जाम. ओह हम फेल हो गए, बहुत बुरा लग रहा है ना. तो ये हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? सोरो एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना दुख जाहिर कर रहे हैं. वंडर या सरप्राइज. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज बोलते है ना. वाओ कितना खूबसूरत फूल है, या फिर कितना खूबसूरत घर है.
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वंडर मतलब खुश हो जाते हैं किसी चीज को देख करके, आश्चर्य हो जाते हैं कि वाह कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। तो इस तरह का जब हम लोगों को अपना एक्सप्रेशन, अपना जब भावना दिखाना हो, जाहिर करना हो, तो जब जिस सेंटेंस में हम लोग उसको जाहिर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आया? नहीं समझ आया? समझ गए मैम। तो सबसे पहले जॉय में आते हैं एक, अब इसको कैसे चेंज करते हैं पहले लिख देते, सेड या सेड टू रहेगा तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे? सेड या सेड टू अगर डायरेक्ट में लिखा रहे तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अगर जॉय है तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर कोई दुख जाहिर कर रहे हो तो क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। Exclaimed with sorrow, है ना? और अगर surprise हो गया या कुछ wonder है तो क्या लिखेंगे? Exclaimed with wonder. या exclaimed with surprise. ठीक है, तो ये हम लोग चेंज करेंगे सेड या सेड टू को इस तरह से। अब एग्जांपल हम लोग जैसे लेते हैं, He said, comma, inverted comma, Hurray, we won the match. ठीक है, He said, Hurrah, we won the match. तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? दुखी है या खुश है? खुश है। खुश है, वो अपना joy express कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? He क्या लिखेंगे? He said, said, exclaimed with joy. Said को वो बदल देंगे। Said को यहाँ बदलना है ना? Said या said two को इस तरह से हम लोग को बदलना है। He exclaimed with joy अब यहाँ comma inverted comma को हटा के क्या लिखेंगे? That ठीक है, he exclaimed with joy that अब क्या करना है यहाँ पे, क्या है? वी है ना, तो अभी क्या बताएं? वी फर्स्ट पर्सन है। यस मैम। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट के? हेलो हेलो, हाँ जी, ही सेड के बाद क्या है? हाँ, ही सेड के बाद किसके बाद? ही सेड, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा एच यू डबल आर ए एच, ये जॉय एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, एक वर्ड है ना? He said we won the match. ये क्या है? सेकंड पर्सन है ना? ये फर्स्ट पर्सन है। सॉरी, एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आई कर दो, है ना? थोड़ा इजी पड़ेगा। आई वॉन द मैच,
या वी भी रहता तो हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वी रहता तो हम वहां पे उसको दे कर देते, और यहाँ पे ही है, तो ये आई किसके अनुसार चेंज होगा? ही में के अनुसार। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा टेंस है, आई वॉन द मैच कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट जब हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस, वेरी गुड। सो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच, ठीक है, समझ में आया? He exclaimed with joy that he had won the match. एक और सेंटेंस हम देते हैं। He said तो घुस जाओ उसमें, चलने लगेगा। तो वहां से तो क्लियर नहीं किया, बोलो माइक के साथ नहीं है। बोले अरे बोले Next sentence है, she said, oh, I have lost my book. अब इसको आप लोग चेंज करके दिखा दो। I have lost my book. Lost. कैसे बनाएंगे इसको? She क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा। बोर्ड तो पूरा क्लीन है। कहाँ पे नहीं समझ आ रहा बताइए, हम बताते हैं। मैं पे दूसरे क्वेश्चन में नहीं समझ आ रहा, सेकंड वाला नहीं समझ में आ रहा। शी सेड कॉमा, फिर इनवर्टेड कॉमा है, ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, आई हैव लॉस्ट माय बुक। लॉस्ट माय बुक, हां मैम वही नहीं समझ आ रहा, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माय बुक। तो इसको फिर हम लोग को बदलना है, चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो कैसे बदलेंगे? तो बदलेंगे ना, सौरो हो जाएगा मैम। हाँ सौरो हो जाएगा। She exclaimed with sorrow. Exclaimed with sorrow. She exclaimed with sorrow. That फिर आगे that she होगा हाँ That she had, है ना? यहाँ पे have है, have कौन सा tense है? Present, perfect tense।
तो प्रेजेंट परफेक्ट जब चेंज होता है तो किसमें बदलता है प्रेजेंट परफेक्ट? हैड, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे शी हैड हो जाएगा, lost her book, she had lost her her book, book, yes, correct, हो गया। ये उतार लिया आप लोग? No ma'am, इसको जल्दी से उतारो, फिर आगे एक सरप्राइज वाला बनाएंगे हम लोग। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में ही सेड के बाद क्या लिखी है? ही सेड एच यू डबल आर ए एच, एच यू डबल आर ए एच, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये खुशी जॉय दिखाते हैं जब हम लोग, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन है हुर्रा या फिर ओ। ओ जब बोलते हैं तो क्या हो जाता है वो? सौरो। और यहाँ पे जॉय दिखाने के लिए हम लोग क्या लिखे हैं? हुर्रा। हो गया, ये बन गया। इतना ऊपर में हो, ये तो हो गया होगा सबका। अब एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग वंडर। हाँ एक मिनट, अब इसको कैसे बदलेंगे? ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड लिख लिए सब लोग। इसको बदलना है हम लोगों को, ये क्या है वाउ जो लिखा है, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? Explained with wonder. Explained नहीं, exclaimed है ना, I exclaimed with wonder that it was a beautiful flower. हम लोग ईट को ईट ही क्यों लिखे और कुछ चेंज क्यों नहीं किए?
क्यों चेंज नहीं किए, इट को इट ही रहने दिए क्यों? मैम थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है. हाँ वेरी गुड, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता इसलिए इट का इट ही रहेगा. आई एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. ठीक है, समझ में आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? यस मैम. ओके वेरी गुड. तो आई थिंक अब जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए अगर कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आप लोग इजीली बना लोगे, है ना? वैसे आपके टेंथ के एग्जाम में जनरली सिंपल सेंटेंसेस ही आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस ही आएगा चेंज करने के लिए. लेकिन अगर आ जाए एक्सक्लेमेटरी भी आ जाए और इंपेरेटिव सेंटेंस भी आ जाए तो इजिली आप लोग बना लेंगे, है ना? लास्ट में एक और मैंने लिखा था ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना? उसको एक सिंपल सा बता देते हैं एक एग्जांपल के साथ. ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जब हम कोई प्रे करते हैं, है ना, या फिर किसी को विश करते हैं. जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हम देते हैं. आई सेड May you pass the exam. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे, May you pass the exam. तो हम लोग ये जब may के साथ कोई sentence शुरू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, pray कर रहे होते हैं, है ना? कि may God help you या फिर may God bless you. जब हम लोग किसी को wish कर रहे होते हैं, pray कर रहे होते हैं, bless कर रहे होते हैं किसी को, तो हम लोग इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं. तो जब इसको अगर बदलना हो इस तरह के सेंटेंस को तो ये बहुत आसान है. ये क्या करेंगे हम, आई सेड, तो इससे क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है, मे यू पास द एग्जाम. तो हम क्या कर रहे हैं, उसको विश कर रहे हैं, है ना? आई विश दैट यू, है ना? यहाँ पे यू है तो यू जनरली हम लोग यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है. अब इस सेंटेंस में क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो सामने वाले को बोल रहे होंगे, है ना? ये अंडरस्टूड है. अगर आप बोल रहे हो कि तुम, भगवान करे तुम एग्जाम में पास हो जाओ, मतलब कि आप सामने किसी को बोल रहे हो, आई होगा. हाँ, आई नहीं होगा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट अननोन है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, बट अपना अंडरस्टैंडिंग है आपका कि मे यू पास द एग्जाम. अगर ये बात आप किसी को बोल रहे हो, मतलब सामने कोई लड़का या लड़की खड़ा है उसी को बोल रहे हो, है ना? तो यहाँ पे आई विश दैट ही या शी, कुछ भी लिख सकते हैं, ही माइट पास द एग्जाम. ठीक है, आई विश दैट ही माइट पास द एग्जाम. ठीक है, तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल. समझ में आया? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए. तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब हम लोग किसी को ब्लेस कर रहे होते हैं ना, प्रे कर रहे होते हैं भगवान से, तो उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग प्रे, विश ये सब एक्सप्रेस करते हैं. तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, आई सेड मे यू पास द एग्जाम, ठीक है, तो इसको चेंज करना है. तो चेंज कैसे करेंगे,
तो यहाँ पे सेड और सेड टू को हटा करके अगर किसी को विश कर रहे हैं तो विश्ड लिख देंगे, अगर प्रे कर रहे हैं तो प्रेड लिख देंगे, है ना। यहाँ पे विश्ड के जगह हम लोग प्रेड भी लिख सकते थे। तो आई विश्ड दैट, अब यहाँ ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ही कहाँ से आ गया, है ना। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे यू हम लिखे हैं, मे यू पास द एग्जाम, तो यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, है ना। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे आई सेड टू हिम मे यू पास द एग्जाम, लिख सकते थे। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उसको किस चीज में चेंज करते हैं, वही बता रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना, बट ये अंडरस्टूड है कि आप किसी को बोल रहे हो। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को बगल में जो आपकी बैठी है, आप उसको बोलो मे यू पास द एग्जाम, तो मतलब आप किसको बता रहे हो ये बात, किसको बोल रहे हो, आपकी फ्रेंड को, yes, ma'am, है ना। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। मान लो आप ही का ये एग्जाम्पल है कि आप बोल रहे हो आई सेड मे यू पास द एग्जाम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया आई सेड टू हर, ये नहीं लिखा आपने, बस इतना लिखा आई सेड मे यू पास द एग्जाम। बट इतना तो आप समझ रहे हो कि किसको बोला, yes, किसको बोला, ये तो पता चल रहा है ना। yes, इसलिए यहाँ पे हमने ही लिख दिया। यहाँ पे ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। सेंटेंस का मतलब ये है कि आप किसी सामने वाले को बोल रहे हो। अब सामने कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, ये क्लियर यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यू से पता नहीं चलता है ना कि लड़का है या लड़की। ही और शी रहे तो पता चल जाएगा, बट यू से यहाँ क्लियर नहीं है, तो ये अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे। आई विश दैट ही माइट पास द एग्जाम। माइट क्यों लिखे, क्योंकि मे को हम लोग पढ़े हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो मे किस में बदल जाता है, माइट, ठीक है। आ गया समझ में, यस मैम, ओके ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। Thank you so much, ma'am.